केश का जो कत्ल हुआ है उसका इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। ये कोई नया हादसा नहीं है, गए 3 साल से ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देश भर में हो रहे हैं। गौरी लंकेश एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, इंडिपेंडेंट व्यूज़ थे उनके, उनके जो व्यूज़ थे वो अपने अखबार लंकेश पत्रिका में लिखते थे। वो व्यूज़ जिनके खिलाफ है, जिनके व्यूज़ के खिलाफ है, वो लोग इनको मरवाए। अभी एक सवाल उठता है कि गौरी लंकेश को कौन मारे। ये देश में जर्नलिस्ट अब वो सवाल के बारे में नहीं सोच रहे। ये कत्ल कौन करे वो तो मालूम हो जाएगा। कल या परसों कर्नाटका में सिद्धरामैया के सरकार वो लोगों को पकड़ लेगी, मगर ये कत्ल के पीछे कौन है, ये कत्ल जो किए हैं उनके पीछे कौन है, कौन सा विचार है, कत्ल के इंस्टिगेट करने वाले कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, कत्ल का ऑर्गेनाइजर कौन है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत हो रहे हैं। जहां हिंदू कम्युनल फोर्सेस, हम हिंदू भाइयों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू में जो कम्युनल फोर्सेस है वो फोर्सेस अपने विचार के खिलाफ जो भी है वो लोग मर जाना चाहिए, वो लोग जीने का हक नहीं है लोगों को। इसी वजह से आज चौथा मर्डर हुआ है। पहला मर्डर हुआ था दबोलकर का, पंसारे का, उसके बाद में कलबुर्गी का, आज जाके गौरी लंकेश की हत्या हुई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं जो मारे हैं उनके पकड़ो, जो उनके पीछे रह के मरवाए हैं उनके पकड़ो, उनको एक्सपोज करो। मारने वाला तो कोई किराए गुंडा होगा, किराए लेके मारा होगा, मगर इसके पीछे जो भी है, जो गौरी लंकेश को मरवाए हैं उनको पकड़ो, उनका विचार को पकड़ो, उसको ठीक करो। ये इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की डिमांड है।